टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 26,000। तो दोस्तों जो 26,000 का बजट है ये प्रीमियम सेगमेंट वाला बजट रेंज है। इस बजट रेंज में आपको हर कंपनी के फ्लैगशिप लेवल के फोन मिल जाते हैं और हर टाइप के यूजर के लिए स्मार्टफोन अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इस प्राइस पॉइंट में अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन खोज रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से स्मार्टफोन या कंपनी की तरफ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको नीड और यूजर्स के अकॉर्डिंग टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अभी के टाइम पे 26,000 में मिल जाती है। यहाँ पे 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज तक मिल जाएगी, जो कि 30,000 वाले बजट रेंज में मिलते हैं। फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिलने वाला है, जहाँ आप आराम से हेवी गेमिंग मल्टीटास्किंग कर सकते हो। उसके साथ फ्लैगशिप लेवल का कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट से बैक से दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और कमाल का यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं हमारे लिस्ट के 5वें नंबर फोन के बारे में, जो कि OnePlus Nord CE3 है। दोस्तों OnePlus अपने मिड रेंज फ्लैगशिप फोन के लिए जाना जाता है, तो अगर आपको OnePlus का ही स्मार्टफोन चाहिए तो Nord CE3 एक अच्छी चॉइस है। यहाँ पे फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर के साथ कैमरे की क्वालिटी और OnePlus का ब्रांड वैल्यू मिलने वाली है। बात करें स्पेक्स की तो Qualcomm Snapdragon 782G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है। हाई सेटिंग में गेमिंग करते वक्त आपको कोई लैगी फील नहीं आएगी। आप गेमिंग करते हो तो मोबाइल हीट होता है, पर नहीं होगा क्योंकि इसमें लार्ज वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग दिया हुआ है। आप लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हो। OnePlus Nord CE3 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा 50 MP IMX890 सेंसर के साथ आता है, जो कि फ्लैगशिप कैमरा है। F1.8 एपर्चर के साथ मिलता है। दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा 2 MP का माइक्रो कैमरा। सेल्फी कैमरा इसमें 16 MP F2.4 एपर्चर के साथ आता है। वीडियो की बात करें तो 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OnePlus Nord CE3 में आपको 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, 0-61% चार्ज इन 15 मिनट। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 6.72 इंच का एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट है। इसमें आपको 1 बिलियन कलर मिलता है। द OnePlus Nord CE3 इज ए फैंटास्टिक स्मार्टफोन। बात करें पावरफुल परफॉर्मेंस की, ग्रेट कैमरा और ऑसम डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर की, एवरीथिंग इज ओके। फाइनली बात करें प्राइस की तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, ये फोन का प्राइस 24,999 है। नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आते हैं वो है रिसेंटली लॉन्च रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 13 प्रो 5G। तो अगर आप 26,000 के बजट में लुक एंड डिजाइन वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो, जहाँ पे अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, तो Xiaomi की तरफ से रेडमी नोट 13 प्रो अच्छी चॉइस हो सकती है। बात करें प्रोसेसर की तो इसमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर 2.4 GHz पर रन करता है। एंड्रॉइड वर्जन इसका एंड्रॉइड 13 है और MIUI 14 पे चलता है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको 68 बिलियन कलर रेशियो मिलता है, यानी कंटेंट कंज्यूम करने में आपको मजा आएगा। 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। बात कर लेते हैं कैमरा की तो इसमें 200 MP का कैमरा सेटअप मिलता है, F1.7 एपर्चर के साथ आता है। दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है F2.2 एपर्चर के साथ और तीसरा 2 MP का माइक्रो कैमरा। सेल्फी कैमरा इसमें 16 MP का मिलता है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी इसमें 5100mAh की मिलती है विद 67W फास्ट चार्जिंग। 15 मिनट में ये फोन 51% चार्ज हो जाता है। IP54 रेटिंग, जी हाँ दोस्तों, इसमें IP54 रेटिंग मिलता है, जो कि इसे और भी कमाल बना देता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, द रेडमी नोट 13 प्रो इज ए क्रेजी स्मार्टफोन। चाहे हम बात करें कैमरा की, प्रोसेसर की या बात करें बैटरी की, एवरीथिंग इज गुड फॉर योर बजट। फाइनली बात करें प्राइस की तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस 25,999 है। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आते हैं IQ के तरफ से, IQ Z7 Pro 5G। ये फोन 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि इसे और भी लुकिंग क्रेजी बना देता है। इसमें आपको 6.78 इंच का बिग स्क्रीन साइज मिलता है, जो कि 1 बिलियन वाइब्रेट कलर के साथ आता है और 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस। वीडियो देखने में कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है। द मोस्ट पावरफुल TSMC 2nd Gen 4nm का प्रोसेसर मिलता है, जो कि MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट है। ये चिपसेट 2.8 GHz स्पीड देता है, 8GB प्लस 8GB एक्सपेंडेबल रैम, स्टोरेज साइज 128 या 256GB मिलता है। वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग के साथ आता
आता है ताकि आप इसे लंबे समय तक फोन को यूज कर सको या गेमिंग कर सको। 7.36 mm का स्लिम डिजाइन मिलता है जो कि इसका वेट 175 ग्राम है। ये स्मार्टफोन 2 कलर के साथ आता है। 64 मेगापिक्सल का ओरा लाइट OIS कैमरा मिलता है जो कि f1.8 एपर्चर के साथ आता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ये स्टेबल कैमरा है, आप वीडियो में कंपैरिजन देख रहे होंगे। और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f2.5 एपर्चर के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है, डेलाइट फोटो भी कमाल की है और नाइट मोड भी। इस फोन से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। IQ Z7 Pro में आपको 4600mAh की बैटरी मिलती है। ये फोन से आप फुल डे तक बैटरी लाइफ निकाल सकते हो। 66W फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 50% चार्ज इन 22 मिनट, 22 मिनट में आप 50% चार्ज कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है फॉर सिक्योर योर डिवाइस। IQ Z7 Pro में फनटच OS 13 मिलता है जो कि 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। बात करें परफॉर्मेंस की, अमेजिंग डिस्प्ले की या डिजाइन की, एवरीथिंग इज वेरी पावरफुल। इस फोन का 2 वेरियंट आता है, 8GB + 128GB या 256GB, दोनों ही अंडर 26,000 में मिल जाता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, जल्दी जाओ चेकआउट करो। तो हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पे जो फोन आते हैं पोको के तरफ से, पोको X6 Pro 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। अंडर 26,000 के बजट रेंज में अल्टीमेट फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है। बात करें स्पेक्स की तो MediaTek Dimensity 8300 का अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm पर बेस्ड है। यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिल जाता है। बात करें कैमरा की तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का आता है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा यहाँ पे अच्छा मिलता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है विद 67W फास्ट चार्जिंग, 100% चार्ज इन 45 मिनट। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का मिलता है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। एंड्रॉइड 14 पे रन करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP54 रेटिंग और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलता है। फाइनली बात करते हैं प्राइस की तो 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, इसका प्राइस 26,999 है और अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हो तो अंडर 26,000 में आराम से मिल जाता है। फाइनली नंबर 1 पे जो फोन आते हैं मोटोरोला के तरफ से, मोटो H40। अगर आपको मोटो की तरफ जाना है तो मोटो H40 एक अच्छी चॉइस हो सकती है। फ्लेक्सिबल लेवल के परफॉर्मेंस के साथ 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर इसमें MediaTek Dimensity 8020 का प्रोसेसर मिलता है जो कि ऑक्टा कोर 2.4GHz वाला प्रोसेसर है। ये एक बढ़िया प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। 6.55 इंच का फुल HD प्लस PLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 7.6mm का स्लिम डिजाइन मिलता है। बात कर लेते हैं कैमरा की तो कैमरा इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल OIS f1.4 एपर्चर के साथ आता है और दूसरा 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ। सेल्फी कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। दोनों से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4400mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है विद 80W फास्ट चार्जिंग। 15W वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 रेटिंग। ये फोन 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक रह सकता है। स्टीरियो स्पीकर मिलता है विद डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट। एंड्रॉइड 13 पे रन करता है। ये फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। जस्ट इसका वेट 167 ग्राम है। फाइनली बात करते हैं प्राइस की तो 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, इसका प्राइस 24,999 है। प्राइस कम या ज्यादा होते रहता है। आपकी सुविधा के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।